एक तो मुझे नींद आना बंद हो गई है, मुझे ना नींद आती है ना मेरी नींद भरती है। जब मैं काम कर रहा होता तब डिफरेंट होता है, मैं काम लेके बैठता हूँ तब दिमाग में बस ये होता है यार हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट है, इंसान को टाइम पे सोना चाहिए। और जब मैं खुद सोने जाता हूँ तब नींद ही नहीं आती, दिमाग में अजीब से थॉट चलते हैं कि आलिया भट्ट की एज क्या हो गई है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ फिर सो जाऊँगा। फिर मैं चेक करने के लिए फ़ोन उठाता हूँ, उसमें 4 घंटा लोगों को नाचते हुए देखने के बाद अचानक से याद आता है यार एज तो चेक ही नहीं की। भैया रोज़ इतनी बार हो रहा था, मेरी स्लीप साइकिल बहुत ख़राब हो चुकी थी, तो मैं बोला सीखना पड़ेगा मुझे सोते कैसे हैं, तो मैं यूट्यूब पे गया। सर्च किया हाउ टू स्लीप प्रॉपरली, 10 मिनट का वीडियो आया, ठीक है, और ये वीडियो स्लीप साइकिल सुधारने के लिए वीडियो स्टार्ट हुआ, 10 मिनट का वीडियो। उसका फर्स्ट सजेशन, सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। साइड में रख दो। मैं रख दिया, मैं लेट गया, अब नींद आ ही नहीं रही है क्योंकि पूरा टाइम दिमाग में चल रहा है इस भड़वे ने अगले 10 मिनट बताया क्या। कैसा वीडियो था ये, तूने वीडियो क्यों बनाया? बस वीडियो 10 सेकंड का हो सकता था, वीडियो स्टार्ट हो, सो जा चुपचाप। बिल्कुल नींद नहीं आ रही है मुझे। फिर मैं गया अपने दोस्त के पास, उसने मुझे समझाया, बोला ASMR साउंड्स आए हैं कुछ ऐसे, उसमें नॉइसेस होती हैं बैकग्राउंड नॉइसेस, वो लगा के सो नींद अच्छी आती है। मैंने ढूंढे वो ASMR साउंड, उसमें बारिश की नॉइस थी, मैं मुंबई से हूँ। मैं 4 महीना डूबा हुआ होता हूँ। अब मैं खुद से मार्च के महीने में बारिश की आवाज़ सुन रहा हूँ। पहले मुझे बस नींद नहीं आती थी, अब मैं ट्रॉमा में लेटा हूँ। अजीब अजीब एडवाइस देते हैं लोग। फिर मुझे बोला वो थेरेपी ले तू जाके। मैं गया थेरेपिस्ट के पास, बोला यही सुलाएगी मुझे। गया उसके बाद बोला नींद नहीं आ रही है करो कुछ। उसने डांट दिया मुझे। देखिए आप सोशल मीडिया ऐप्स तो यूज नहीं करते? बस सारे करता हूँ। आपसे तो मैं मिला जो फॉलो 6 महीने से कर रहा हूँ। डांट दिया, बोले सोशल मीडिया ऐप्स यूज़ करना बंद करो तुम्हें तभी नींद आएगी। अरे ठीक है, मैंने सोशल मीडिया ऐप्स यूज़ करना बंद कर दिया, अब मेरे शोज़ के टिकट्स बिकना बंद हो गए। अब नींद भी नहीं आ रही, गरीब भी होता जा रहा है। अब गुस्सा आता मुझे, रात में नींद नहीं आती, अब गुस्से में लेटा हुआ होता हूँ। खुद पे गुस्सा होके सो क्यों नहीं रहा हूँ मैं। फिर नई नई चीज़ें जो आती हैं उससे और मुझे नींद नहीं आती, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, पता है आप लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया उसको, मुझे उससे बहुत डर लगता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैंने सारी मूवीज़ देखी हैं, सारी मूवीज़ में क्या होता है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना स्मार्ट हो जाता है ह्यूमैनिटी ख़त्म करने की कोशिश करता है, इसलिए मुझे डर लगता है, इसलिए मैं रात रात भर फ़ोन चला के सोता हूँ कि इस चूते की पूरी बैटरी ख़त्म करके लेता हूँ। मुझे पता है तुम लोग जो है ना वो बैटरी पे लगा के सोते हो चार्जिंग पे,
मत किया करो, पावर दे रहे हो उसे, रात में 2 बार मारेगा। बिल्कुल रिस्क नहीं लेता। पहले हम बहुत डिफरेंट हुआ करते थे, हम पहले इतनी जल्दी टेक्नोलॉजिकली आगे बढ़ते नहीं थे और जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते थे। अब हर तीन महीने में दुनिया चेंज होती है, हर 3 महीने में एक तो भड़वा इलॉन मस्क। हर 3 महीने में ना कुछ एकदम नया लेके आता है वो, कि चलो मार्स चलते, रुकना है यहाँ पे। नवी मुंबई से हूँ मैं, एयरपोर्ट नहीं, मेरे पास मार्स भेजेगा। इतने जब पॉइंटलेस काम करता है वो। 3 महीना गांड घिस के मैंने गाड़ी चलाने की प्रैक्टिस की, लेके आया, बोलता ये ड्राइवरलेस कार लाया हूँ मैं। अच्छा खासा हम ध्यान से गाड़ी चला रहे थे, ठीक है, इंडिया में सबको एकदम अच्छे से आ गई थी, इसके लिए इतनी अच्छी थी, बना दी उसने वो AI बेस्ड टेस्ला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे चलती है, खुद डिसीजन लेती है वो, ड्राइवरलेस कार, भेज दे इंडिया, देखता हूँ। जब दोनों साइड से ऑटो वाला कट मारेगा, देखता हूँ क्या डिसीजन लेगी तेरे पास। तुम खरीदो टेस्ला, पहले दिन दोनों साइड मिरर गायब होंगे। चल भी नहीं रही थी, पार्किंग में खड़ी थी। बस कोई सोसाइटी का लड़का है, वो चेक करता जिंदा तो नहीं है ये, बचा पाएगी खुद को। दोनों कान ले जाता। और मुझे AI से बहुत डर लगता है, क्योंकि एक तो बीच में वो ChatGPT आ गया था, उसने बनाया कि बहुत खुश था वो बना के, देखो मैं बना दिया, खुद काम करता है, उस चौथी की खुद की जॉब चली गई। बना दिया ना, तू घर बैठा। मैंने सेट लिखा, मुझे पता था कि मैं बना दिया है और मैं लोगों को भी डरा सकता हूँ अपने साथ साथ, तो ऐसे बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये सारे जोक्स हैं। AI अभी उस लेवल पे नहीं है कि हमें मार सके, मैं बताने की ज़रूरत नहीं है, तुम काफ़ी अच्छे जोक की तरह ले रहे हो। मैंने भोपाल में ये सेट परफॉर्म किया और जैसे जैसे मैं परफॉर्म करते जा रहा था ना, पूरी ऑडियंस ने अपने फ़ोन साइड में रख दिया और मुझे समझा रहे, बोलते माइक से थोड़ा दूर होके बात कर, अटैक ना कर दे। पर मतलब उस लेवल पे नहीं है अभी, धीरे धीरे पहुंच जाएगा, हम जितना एडवांस होते जाएंगे हो जाएगा वो, पर अभी नहीं है, अभी बहुत ज़्यादा ही हमसे पीछे है। जैसे मैंने ChatGPT से पूछा, मुझे 6 लीटर पानी कैलकुलेट करना है, हमारे पास 2 कंटेनर हैं, एक 6 लीटर का, एक 12 लीटर का, इसका ह्यूमन आंसर क्या है, मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा? 6 लीटर? तुम सब एकदम सहम से गए हो, जबकि ये बहुत इजी क्वेश्चन था। अगर तुम सब इस क्वेश्चन में डरे हुए हो ना और सेल्फ डाउट में हो, तो AI के इस स्टेज पे भी हम मर सकते हैं। इतने इजी क्वेश्चन में भी डरे हो कि पहले किसी और को बोलने दो, हम गलत भी हो सकते हैं। पूरे रूम में बस एक जन ने आंसर दिया, या तो ऐसा हो गया मैं सेट करे जा रहा था, मैं इतना अच्छा कर रहा था कि अचानक से मैंने कुछ पूछ लिया, तुम सब परेशान, हमें इन्वॉल्व मत कर इसमें, ठीक है, बस बोलता जा, हम हंस रहे हैं। आंसर वही है, 6 लीटर का कंटेनर, उसमें कैलकुलेट करोगे? मैंने ChatGPT से पूछा, उसका आंसर था कि आप 6 लीटर पानी जो भी कैलकुलेट करना है वो 6 लीटर के कंटेनर में डालो, और फिर वो पानी 12 लीटर के कंटेनर में डालो,
अगर ये 6 लीटर का कंटेनर पूरा खाली हो गया तो आपके पास 6 लीटर पानी है। ठीक है भाई, यही करूँगा मैं। मतलब उसके प्रोसेस में ना स्लाइट डिले है, हमसे थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा एडिट प्रोसेस है, बहुत टाइम लेता उसकी स्मार्टनेस। तो इसका मतलब ये हमारे पास बहुत टाइम है, जब तक एआई हमें मारना है हम कंप्यूटर बंद कर सकते हैं। बहुत परेशान रहता हूँ मैं, क्योंकि जितने भी ये सारे है अपनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जा रही है और हम बहुत ज़्यादा लाइफस्टाइल ख़राब होता जा रहा है। जैसे जो सारे ऐप्स आए हैं ना इंस्टाग्राम पे रील्स और शॉर्ट्स, तो उनसे क्या हो गया, अटेंशन स्पैन हमारा ख़राब हो गया। अब हमें हर चीज़ 15 सेकंड में चाहिए कि कोई ऐसे पीछे नाच रहा हो और उस पर टेक्स्ट लिखा हो, बस वही। मूवीज़ टीवी शोज देखे ही नहीं जाते कि 15 सेकंड में क्यों ख़त्म नहीं हुआ। अब इतना ज़्यादा हो गया ना, अब मुझे सपने भी 15 सेकंड के आते हैं। जो सबका कॉमन नाइटमेयर होता है कि मैं बेड से गिर रहा हूँ, फिर तुम गिरते जाते हो, मैं जैसे ही ज़मीन पे ड्रॉप होता हूँ मेरे कपड़े चेंज हो जाते हैं। फिर 15 सेकंड बाद नींद में मैं ये कर रहा होता हूँ। और ये पता है, इंस्टाग्राम को भी पता है कि उसने बहुत लाइफस्टाइल बिगाड़ दिया, तो कोशिश करता है फिक्स करने का। जैसे मोबाइल में वो स्क्रीन टाइम लेके आए थे कि स्क्रीन टाइम कम करो, अभी वो क्वाइट नोटिफिकेशन लेके आए हैं इंस्टाग्राम पे कि इसको ऑन करो तुम्हें नोटिफिकेशंस नहीं भेजेंगे हम रात को। तुम कभी भी नोटिस करना, जिसका भी क्वाइट नोटिफिकेशन ऑन होता है अगर तुम उसको मैसेज करोगे उसका तुरंत रिप्लाई आता है। क्योंकि उसको नोटिफिकेशन नहीं जा रहा, वो पूरा टाइम ऑनलाइन रहता है, कुछ हुआ तो नहीं। जब अब मुझे नींद आ नहीं रही थी रात रात भर और परेशान था मैं, तो मैं इतना ओवरथिंक करने पहुंच गया कि मैं ओरिजिन तक पहुंच गया। जैसे हम सबको, हम इवॉल्व्ड हैं, हमें पता है नींद आती है तो सोना होता है, लेकिन जब ह्यूमैनिटी स्टार्ट हुई थी उन्हें तो पता भी नहीं था नींद का कॉन्सेप्ट। उनके लिए तो लाइफ वही थी कि जागते रहो नहीं तो कोई भी गांड मार देगा। उन्हें पता भी नहीं था सोना होता है, वो बेचारे शिकार पर निकलते होंगे और उनके लिए नॉर्मल था कि कोई एक एक हफ्ता शिकार पर निकल गया और कोई एक बंदा बेहोश हो गया, उनके लिए नॉर्मल था कि हाँ अभी उठेगा थोड़ी देर में। और हम स्पेशीज, मुझे लग रहा है ना हम वहीं जा रहे हैं, जैसे हम पीक कर चुके हैं स्मार्टनेस में और जनरेशंस में ना, जो पिछली जनरेशन थी वो पीक कर चुकी है, सब कर लिया है हमने। आगे तुम देख रहे हो ना जो जनरेशन आ रही है वो बहुत ही ज़्यादा लंड है। तो हम एवोल्यूशन में पीक कर चुके हैं, अब डी इवॉल्व होने लगेंगे। तुम खुद नोटिस करना, आज से 5 साल पहले जब तुम सर्च करते थे ना कितना टाइम सोना होता है, तो ऐसे आंसर आता था 9 घंटा 10 घंटा सो। अब वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, 8 हुआ 7 हुआ, अब तुम सर्च करोगे बोलते हो बस 5 घंटा सो लो काफ़ी है। क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, वर्क आवर्स बढ़ाते जा रहे हैं कि तुम काम करो। एंटरटेनमेंट भी इसलिए कम कर दिया है कि 12 घंटे काम करो, 12 सेकंड नाचते हुए देखो सो जाओ। तो ये धीरे धीरे हम उसी पॉइंट पे पहुंच जाएंगे कि नींद ही पता नहीं होगी हमें, हम बस काम करते रहेंगे और अचानक से बेहोश हो जाएंगे। लेकिन इस टाइम पे हमारा पूरा प्रोसेस उल्टा हो जाएगा, इस बार हम बेहोश होके उठा करेंगे और अचानक से सोचा करेंगे यार आलिया भट्ट की एज क्या होगी। ऐसे अप्रिशिएट मत किया करो, ठीक है, फिर मैं कॉलेज जाना छोड़ देता हूँ। थैंक्स फॉर लिसनिंग, दैट्स द एंड ऑफ द शो, थैंक यू सो मच आने के लिए। मुझे पसंद नहीं है, ठीक है, ये वीरदास के लिए कर लिया करो तुम। कोई भी लॉजिकली नहीं सोच रहा है, एआई के अंदर ना वो इमोशनल फैक्टर नहीं है। सारी मूवीज़ में यही होता है, एआई बाद में ह्यूमैनिटी ख़त्म करने की कोशिश करता है। तुम जो नॉर्मल मूवीज़ देखते हो उसमें ह्यूमन विलन होता है ना, उसके अंदर एक इमोशनल फैक्टर होता है, वो मारने से पहले पूछ भी लेता है कि तुम्हारी लास्ट विश क्या है। एआई को लौड़ा फ़र्क नहीं पड़ता, वो उल्टा टास्क दे देगा कि प्रूफ करो हम नोट अ रोबोट।
अब तुम्हारा गोली खाने से पहले ज़ेब्रा क्रॉसिंग सेलेक्ट कर। तुम नॉर्मल विलेंस देखोगे ना, वो ऐसे बहुत सारे लोगों को मारने आता है ना ऐसे ग्रुप किलिंग में, वो कभी भी किसी एक दो को छोड़ देता है कि ये कमज़ोर था या ये डिसेबल्ड था। एआई को नहीं फ़र्क पड़ता, वो उल्टा कैलकुलेट करके सबसे पहले लंगड़े को मारेगा। दस मिनट का वीडियो है वो, मुझे आज तक नहीं पता उसने क्या बोला 10 मिनट में। कि मैं जब भी वो वीडियो लगाता हूँ मतलब सारे डिवाइसेस साइड में लूप होल में फंस चुका हूँ मैं।